हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 8 में प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। मुझे कह रहा है कि 81 का जो मैं वर्ग करूँगा, यानी 81 का वर्ग यानी 81 गुणा 81 करूँगा, तो मुझे इसमें इसके वर्ग का इकाई का अंक ज्ञात करना है। एक तो तरीका क्या है कि बहुत ही 81 को 81 गुणा करो, उसका वर्ग निकालो, फिर इकाई का अंक निकालो। एक तरीका मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर वो किसी को नहीं बताया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना। उसमें मैंने आपको कहा था कि ना 1 से लेकर 10 तक आप वर्ग याद रखिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 6, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का होता है 100। तो आप 1 से लेकर 10 तक ये याद रखेंगे ना, तो आपको ये करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपसे किसी भी संख्या का वर्ग का अगर आपको इकाई का अंक पूछ रहे हैं, तो आप देखो पहले, सबसे पहले उस संख्या को देखा, ठीक है, संख्या क्या है, 81 है, तो 81 में इकाई का अंक क्या है, 1 है। और फिर अपन 1 से लेकर 10 तक वर्ग अपन को याद है कि 1 का वर्ग करता हूँ तब इकाई का अंक 1 ही मिलता है ना, तो 81 का वर्ग भी करूंगा ना तब भी उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसा क्यों होता है कि मैं क्या करता हूँ, 81 गुणा 81 करूंगा, सबसे पहले क्या 1 गुणा 1 ही आएगा इधर, फिर क्रॉस करते रहते हैं पर लास्ट में इधर 1 ही आता है ना, बस वही थ्योरम लगेगी। तो बेसिक अपन सीखते हैं छोटी क्लासों में। इसमें सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 272 है, इसको लिखेंगे कैसे वही मैं बता रहा हूँ कॉपी में, आपको मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। भी क्या कह रहा है, 272 का वर्ग करो और इसके इकाई का अंक निकालो, ठीक है। 272 का वर्ग यानी 272 गुणा 272, ठीक है। तो देखो 272 का जब मैं वर्ग करूंगा तो यहाँ पे कुछ इकाई के स्थान कोई नंबर आएगा, वो क्या होगा, वो निकालने का क्या तरीका होता है, आपको चाहे कोई भी नंबर दे दे, 272 है, कोई भी नंबर दे दे, तो पूछे कि इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। पहले तो उस नंबर को आप देखो, गौर से देखो, नंबर क्या है, 272, उसमें इकाई का अंक क्या है, 2 है। फिर आपको 1 से लेकर 10 तक वर्ग याद है, तो 2 का जब अपन वर्ग करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है, 4। तो 272 का भी वर्ग करोगे ना तब भी इकाई का अंक क्या आएगा, 4 ही आएगा। ऐसा क्यों है, जैसे 272 गुणा 272 करोगे, सबसे पहले गुणा करते हैं अपन, 2 का 2 से गुणा करते हैं 4, ये संख्या गुणा करते रहते हैं, इधर क्रॉस लगाते हैं, फिर क्रॉस लगा के गुणा करते रहते हैं, लास्ट में जब अपन योग करते हैं इधर 4 ही आना है। ट्रिक होती है कि आपको किसी भी संख्या का, अगर अब कोई भी अगर आपको संख्या दे दे और पूछे कि इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप उस संख्या को पहले देखोगे और फिर उसमें देखोगे कि उस संख्या में इकाई का अंक क्या है। जैसे इस संख्या में इकाई का अंक 6 है, तो 6 का वर्ग आपको याद है 36 होता है, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 6, तो उस संख्या में भी वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 6 ही होगा। तो मैं लिखना कैसे इस क्वेश्चन को बता देता हूँ, शुरुआत से क्वेश्चन करते हैं, आपको मैंने बेसिक समझा दिया इसका। तो लिखेंगे कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख दिया 81, तो लिख देंगे यहाँ से अपन, दी गई संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 6, इकाई का अंक 1 एक प्राप्त होगा। डॉट में आपको बता देना है कि 1 के वर्ग में भी इकाई का अंक 1 होता है, ठीक है, इसलिए लास्ट में 81 में भी 1 आ रहा है ना, इसमें वर्ग का 1 प्राप्त 1 होगा। जैसे सेकंड में लिखता हूँ, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 272 है, ठीक है। तो आपको ट्रिक मैंने सिखा दी है, बहुत ईजी है, आपको किसी भी संख्या का अगर वर्ग में इकाई का अंक पूछ रहे हैं, सबसे पहले उस संख्या को देखो और उसमें ढूंढो कि इकाई का अंक कौन सा है, 2 है। और 1 से लेकर 10 तक आपको वर्ग याद है, तो 2 के वर्ग में इकाई का अंक क्या आता है, 2 का वर्ग 4 ही होता है, तो 4 इकाई का अंक है, तो इस संख्या में भी वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, 4 ही होगा। तो दी गई, आप करके भी देख सकते हो, दी गई संख्या के
वर्ग का इकाई का अंक 4 प्राप्त होगा। क्यों होगा? कि मुझे पता है कि 2 के वर्ग में 4 आता है, उसका थर्ड करते हैं। देखो थर्ड में क्या होगा, भाषा एक ही रही है, लिखनी है अपन को। थर्ड है 799, लिख देंगे यहाँ से। दी गई संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा, क्योंकि 9 का जब मैं वर्ग करता हूँ तो 81 आता है। 81 में कई अंक क्या है? 1 है, तो इसका भी वर्ग करूंगा। अब इसका भी मैं वर्ग करूंगा तो देखो 799 गुना 799 करूंगा। पहले 9 का 9 से गुना होगा, 1 आएगा ना, फिर ऐसा लगती है वही आपको पता ही है। तो यहाँ भी 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका 4 करते हैं। फोर्थ है 3853, तो लिख देंगे यहाँ से, स्टार्ट करेंगे। दी गई संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 9 होगा। क्यों होगा? 3 बना के लिख देंगे, क्योंकि 3 का वर्ग 9 होता है। 9 में कई अंक, 3 के वर्ग में इकाई का अंक 9 आ रहा है, तो इस संख्या में भी तुमको देखना है कई अंक क्या है। 3 है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो संख्या में भी इकाई, इसका संख्या का वर्ग करोगे ना तो उसमें कई अंक क्या होगा? 9 होगा। इसका वर्ग तो बहुत बड़ी संख्या होगी। जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे मैंने बोला 12 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, तो 12 का वर्ग मुझे पता है क्या होता है, क्योंकि 44 होता है ना। मुझे सिर्फ इकाई का अंक पूछ रहे हैं, ठीक है। इकाई का अंक क्या है? यहाँ 4 है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो, 2 का वर्ग क्या होता है? 4। यहाँ आप देखो कहीं 4 आ रहा है ना, तो बस यही बेसिक थ्योरी लग रही है इसमें। नेक्स्ट इसका करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ मैंने इसकी विधि आपको सिखा दी है, मैं डायरेक्ट अब सिर्फ इकाई का अंक ही लिख रहा हूँ, यही लिख देता हूँ। अब जो ये फिफ्थ है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा? देखो संख्या में इकाई का अंक क्या है? 4। 4 के वर्ग होता है, 4 का वर्ग करते हैं तो 4 का वर्ग 16 होता है, उसमें इकाई का अंक 6 आ रहा है ना, तो इसके वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा? 6। 6 देखते हैं, देखो इसमें इकाई का अंक क्या है? 7। 7 का वर्ग क्या होता है? 49। 49 में इकाई का अंक क्या है? 9। तो इस संख्या का वर्ग करोगे ना तो इकाई का अंक क्या आएगा? 9। इस संख्या में देखो, इस संख्या में इकाई का अंक क्या है? 8 है। 8 का जब वर्ग करते हैं तो आता है 64। 64 में इकाई का अंक क्या है? 4। तो इस संख्या में भी इकाई का अंक क्या होगा? 4। ये संख्या देखो 9988000। अब देखो 0 को अपन 0 से लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई का अंक क्या है? 0 है। 0 को अपन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 ही आता है, तो इसमें इकाई का अंक क्या आएगा? 0 ही रहेगा। यहाँ देखो 6, 6 में इकाई का अंक 6 का वर्ग क्या होता है? 36। यहाँ इकाई का अंक 6, तो इस संख्या में भी वर्ग में इकाई का अंक क्या आएगा? 6। यहाँ 5 है, 5 का वर्ग क्या होता है? 25। तो इसमें इस संख्या का वर्ग करोगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 5 आएगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं 6.1 का, क्या कह रहा है? चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। आपको दिया हुआ है कि जो संख्या दी हुई है पूर्ण वर्ग नहीं है, इसका कारण बताना है। मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था ऐसा क्यों होता है। अगर वो किसी ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख सकता है, और मेरी प्ले लिस्ट पर भी सारे वीडियो वो देख सकता है। इसका मतलब क्या है? आपको जो संख्या दी हुई है 1057, ये पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? अपन एक नियम जानते हैं, मैं साइड में लिख लेता हूँ। अगर किसी भी संख्या के इकाई में अगर 2, 3, 7 या 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकती, ये तो फर्स्ट। दूसरा नियम क्या है? अगर किसी संख्या के अंत में शून्य आ रहा है, अगर 1 शून्य आ रहा है, विषम संख्या के रूप में शून्य आ रहा है। विषम संख्या क्या होती है? 1 होती है, फिर 3, 5। तो अगर 1 0 आ रहा है, या फिर 3 0 आ रहे हैं, 1, 2, 3, या फिर 5 0 आ रहे हैं पीछे संख्या के अंत में, तो वो भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, ठीक है। तो एक नियम होता है, ऐसा क्यों भी होता है, क्यों ऐसा नियम, इस ये मैंने इंट्रोडक्शन बताया ऐसा क्यों होता है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। 1057 है, तो इसके इकाई क्रम में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो मुझे पता है कि जैसे ही 7 आया है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है? जैसे मैंने आपको बताया ना 144 है, जिसका वर्गमूल अपन निकाल सकते हैं, वर्गमूल इसका 12 होता है ना, तो
144 पूर्ण संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि मैं इसके दो समान गुणनखंड निकाल सकता हूँ, 12 गुणा 12 तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 12 होगा। तो कभी भी पूर्णांक संख्या होगी तो उसके कभी भी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है कब नहीं होगी? अगर उसके इकाई के स्थान पर 2 3 7 8 है तो वह कभी भी संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगी। इसके अलावा कोई भी संख्या है तो उसकी संभावना है कि वह पूर्णांक संख्या हो सकती है, जैसे 1 आ गया, 4 आ गया, 5 हो गया, 9 हो गया, तो ऐसी संख्या है इकाई के स्थान पर तो वह पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या लिखूंगा मैं? दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 7 होने के कारण यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। 7 2 3 7 8 और ये विषम संख्या के शून्य के अलावा अगर कोई संख्या है तो उसकी संभावना हो सकती है कि पूर्ण वर्ग होने की। नेक्स्ट इसका लिखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? नेक्स्ट 2 3 4 5 3 अपन सेम की सेम जो मैंने भाषा लिखी होगी वही लिखनी है अपन को। इसमें इकाई अंक देखिए 3 है ना, नियम यही कहता है कि इकाई के स्थान पर अगर 2 3 7 8 है तो वह पूर्णांक संख्या नहीं हो सकती। तो अपन को लिखना है दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 3 होने के कारण यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। नियम अपन ने पढ़ा है, ये आपको बस हर क्वेश्चन में ही लिखना है। यहाँ 8 है तो बस दी गई संख्या में कई अंक 8 होने के कारण ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यहाँ 2 है, यहाँ लिखना पड़ेगा दी गई संख्या के अंत में शून्य विषम संख्या के रूप में है। मैं 5/5 का लिख लेता हूँ, बाकी मैं एवरेज लिख लेना, 5/5 का मैं लिख लेता हूँ, 64000 है तो लिख देंगे अपन दी गई संख्या के अंत में शून्य जो है, 0 जो है वो विषम संख्या के रूप में है, यानी 3 0 यानी विषम संख्या के रूप में है, विषम संख्या के रूप में है, इस कारण कारण दी गई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये बस ये आपको ये तय लिखना था। यहाँ 0 3 है, मैंने कहा 0 अगर विषम संख्या के रूप में आ रहा है तो वो भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। यहाँ 2 आ रहा है तो 2 तो आपको पता ही है नहीं होगी। यहाँ 3 आ रहा है तो ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। 1 0 तो ये संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो उसका अगला क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा? ठीक है, पहली संख्या है 431। मैं विषम संख्या के बारे में थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो मुझे कैसे पता पड़ेगा कि कोई संख्या विषम संख्या है कि नहीं? विषम संख्या उन संख्याओं को कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग ना जाए, जैसे 4 है, 4 में 2 का भाग जाता है तो 4 विषम संख्या नहीं कहलाएगी। और अगर किसी संख्या में अंत में 0 2 4 अंत यानी इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं होना चाहिए, अगर यह है तो भी ये विषम संख्या नहीं कहलाएगी। इनके अलावा सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। 1 है,
पाँच सात नौ ग्यारह। देखो एक एक स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा ना, तो ये सारी संख्याएं विषम संख्या कहलाती है ना। तो इनमें 2 का भाग जाता है ना, एक एक स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 है। अब देखो मैं किसी भी संख्या का पता, उस विषम है या असम है, उसका पता उस संख्या के एक एक स्थान पर होने से पता लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 1 है, तो 1 तो विषम संख्या है ही। यहाँ से देखो यहाँ तो एक एक अंक ही चल रहे हैं। दाई से देखो, दाई 11 है, फिर 13 आ गया, 15 आ गया, 17 आ गया, तो इनका पता भी मैं विषम संख्या है कि नहीं पता लगा सकता हूँ। देखो मैंने कहा ना, एक एक स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है तो वो संख्या भी विषम संख्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ है नहीं, तो ये विषम संख्या है। 3 है, 5 है, 7 है, तो ये विषम संख्या है। मैं किसी भी संख्या का पता कि वो विषम संख्या है कि नहीं, उसके एक एक स्थान को देख कर पता लगा सकता हूँ। तो प्रश्न क्या कह रहा है, तुम अगर 431 का वर्ग करो तो वह संख्या विषम है कि नहीं, उसका पता तुम कैसे लगाओगे। एक तरीका तो है, बेसिक तरीका, कि 431 का वर्ग करो, 431 में 431 करेंगे, फिर उसका इकाई का स्थान देखेंगे अपन, तब पता पड़ेगा। एक तरीका क्या होता है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में सिखाया, कि अपन बिना गुणा किए भी किसी भी संख्या का वर्ग में इकाई का स्थान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को पता है कि 431 में इकाई का अंक क्या है, 1। एक का वर्ग करता हूँ तो 1 ही होता है, तो इस संख्या का जो वर्ग करूंगा ना, तो उसमें इकाई का अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो देखो अगर इकाई का अंक 1 आ रहा है तो वो संख्या क्या होगी, विषम ही होगी ना। जैसे 1 है, मैंने कहा ना 0, 2, 4, 6, 8 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर कोई नंबर आ रहा है तो वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे किसी के इकाई के स्थान पर 1 आ गया, 3, 5, 7, 9 आ गया, तो वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो उसको लिखेंगे कैसे, दी गई संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा, अतः दी गई संख्या का वर्ग 1 विषम संख्या होगा। का अगला करते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसका, नेक्स्ट संख्या है 2826। ठीक है, तो मुझे प्रश्न है कि इसका अगर वर्ग करो तो इसका जो वर्ग होगा वह संख्या सम होगी कि विषम होगी वो बतानी है। अपन को सिर्फ वही संख्या बतानी है जिसका वर्ग एक विषम संख्या होगा। तो 2826 है, इसका मैं वर्ग करूंगा तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, जो 6 का वर्ग होगा, वही 6 का वर्ग क्या होता है, 36। इसमें इकाई का अंक क्या होता है, 6। इकाई के स्थान पर अगर मैंने कहा ना 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वह संख्या सम कहलाती है। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पर अगर 6 आ रहा है तो इसका मैं वर्ग करूंगा तो ये संख्या तो सम कहलाएगी। ठीक है, तो मुझे वो संख्या नहीं लिखनी है, तो मैं सेकंड लिख दूंगा, दी गई संख्या, सेकंड संख्या नहीं लिखनी है अपन को, अपन डायरेक्ट थर्ड लिखेंगे। इसका अपन लिख देंगे उत्तर, दी गई संख्या का वर्ग 1 सम संख्या होगा। ठीक है, थर्ड करते हैं, थर्ड क्या कह रहा है, 7779। ठीक है, तो प्रश्न है कि इस संख्या का वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा, संख्या के वर्ग में जो वर्ग निकलेगा वो सम होगा कि विषम होगा। पहले सबसे पहले दी गई संख्या का वर्ग में इकाई का अंक, एक अंक 1 होगा, क्योंकि देखो 9 का वर्ग 81 होता है, 81 मेरे का अंक 1 आया ना, इकाई का अंक 1 होगा, अतः 1 होता ही विषम कहलाएगी। अतः दी गई संख्या
संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होगा। ठीक है, बस इतना लिखना था अपन को। देखो यहाँ फोर्थ, देखो फोर्थ में क्या हो रहा है, देखो चार है पीछे, तो इसका जो वर्ग करूंगा अब इकाई के स्थान पर क्या आएगा, छह आएगा, क्योंकि देखो चार का 16 होता है ना, छह आएगा, छह एक सम संख्या हो गई। अपन को प्रश्न में ये लिखना है कि किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो पहली और ये तीसरी निकली थी, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं।